आपका क्वेश्चन है, इफ जीबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स देन वॉट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। अब इसको समझो, इसमें क्या बोला है कि सपोज सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक्चुअल एज, प्रेजेंट एज ऑफ जेबा। तो यहां पर हम लेते हैं एक्चुअल एज ऑफ जेबा, सो दैट इज एक्स ईयर्स। तो एक्चुअल एज आपका क्या होगा, प्रेजेंट एज। ठीक है ना। अब देखो इसने क्या बोला है, इफ यदि जीबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स, तो उसका मतलब है 5 ईयर्स एगो, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, यंगर मीन्स 5 ईयर्स एगो, तो इधर हो जाएगा आपका 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो जीबा की एज कितनी थी, एक्स माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो इक्वेशन, देन व्हाट शी रियली इज, ठीक है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव, उस समय उसका क्या है, एज का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज इज एक्स, 5 टाइम्स दैट मीन्स 5x प्लस हाउ मेनी, 11 मोर, 11। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो x माइनस फाइव होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और 5x प्लस 11x को लेफ्ट में लेकर आ जाए तो ये आ जाएगा माइनस 5x माइनस 11x, दैट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट सॉल्व करो उसको, देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x इज माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11 इज 40, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो यहां पर 14 है, तो 14 इंटू 1, तो 14 प्लस 1 इज 15, सेंटर आ गया। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स माइनस 14 प्लस 14, दैट विल गिव यू 0। फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है, एक्स इज कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस 14, इसके अंदर क्या कॉमन है, माइनस 1 इज कॉमन, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 14, दैट विल गिव यू 0। दैट मीन्स दैट एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 14, यहां पर आ रही है x की वैल्यू 1, तो 1 आपकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसने बोला है 5 ईयर्स एगो, तो 1 माइनस 5 इज माइनस 4, तो माइनस 4 तो आपका कोई एज नहीं हो सकता, तो वी विल नेग्लेक्ट इट। तो एज वॉज क्या था, 14, सो नाउ वी कैन से हर एक्चुअल एज वुड हैव बीन क्या है आपका, 14 ईयर्स, तो वी कैन से जेबास प्रेजेंट एज, एज 14 ईयर्स। ठीक है,